दोस्तों फिर से YouTube चैनल हैक हो रहे हैं। यहाँ पर बात किया, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैंने यहाँ पर वीडियोस ला ही नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने ये वीडियो बना दी और आप लोगों के लिए ला दिया। तो यहाँ पर YouTube पर एक ADN Gaming YT YouTube चैनल था जो कि हैक हो चुका है, YouTube ने उसको टर्मिनेट कर दिया है। और यहाँ पर बात किया तो उस जो चैनल का ओनर था, इनका नाम था निखिल, और यहाँ पर जो भाई है वो क्या है, अपनी टंग यानी कि जीभ से जो कि ये गेम खेलते हैं, यहाँ पर उनके हाथ पैर नहीं है। और यहाँ पर उनके जो यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो उन पर 7 लाख सब्सक्राइबर थे, और यहाँ पर अब वो यूट्यूब चैनल जो कि यूट्यूब पर नहीं रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि उन्होंने बना के बताई है। मेरा मेन चैनल हैक हो गया है, और हैक हो गया था। हैक होने के बाद उसने पता नहीं क्या वीडियो का लाइव स्ट्रीम किया, उसके बाद मेरा चैनल शायद स्ट्राइक आया होगा, इसी कारण से यूट्यूब वाले ने मेरा मेन चैनल को टर्मिनेट कर दिया है। और सुबह का बात है, अचानक से टर्मिनेट हो गया, अचानक से वीडियो डल गया, और मेरा जिसमें रिकवर जीमेल आईडी था वो जीमेल आईडी उसने हैक किया। हैक करने के बाद रिकवर किया मेरा फॉरगेट पासपोर्ट करके, मेरा पासपोर्ट वहाँ से उस मेरा पुराने जीमेल आईडी से किया उसने, और बाद में मेरा चैनल है क्या। दोस्तों यहाँ पर आपने वो वीडियो देखी, सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने बताई, और यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि उनकी एक छोटी बेटी है जो कि पीछे मतलब थी, और यहाँ पर उसके एक्सप्रेशन देख के काफी बुरा लग रहा था कि उसको तो पता भी नहीं कि उनके जो पापा का गेमिंग चैनल है वो यूट्यूब पर हैक हो चुका है, यानी कि यूट्यूब से टर्मिनेट भी हो गया है। तो यहाँ पर बात किया, उन्होंने सारी चीजें बताई, लेकिन आप लोगों को अब मैं चीज क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर उनके चैनल पे जब वो मतलब हैक किया था, उसके बाद में हुआ क्या कि यहाँ पर उनका चैनल पे कोई जो कि क्रिप्टो करेंसी जो कि होती है बिटकॉइन वगैरह की, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, और उसके बाद में कुछ देर बाद में यहाँ पर उनका यूट्यूब चैनल जो कि यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया, वही स्ट्राइक वगैरह लगने की वजह से। और यहाँ पर मैं आप लोगों से भी पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर कोई भी लिंक वगैरह आती है, उन्होंने भाई ने यही किया था, किसी लिंक पे क्लिक कर दिया होगा, और उसकी वजह से उनका चैनल हैक हो गया, फिर उस पर लाइव स्ट्रीमिंग हुई और वो चैनल जो कि यूट्यूब ने फिर टर्मिनेट कर दिया। लेकिन बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को अब ये चीजें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूट्यूब पर देखा है कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने उनके साथ पहले वीडियोज बनाई, उनके बारे में बताया है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो अब जब उनका चैनल हैक हुआ यानी कि उनका बुरा वक्त है, तब उनके साथ कोई नहीं है। यानी कि मैंने वीडियोस देखी हैं जो कि किसी बड़े यूट्यूबर ने इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, भाई उन्होंने बोला हो कि भाई भाई का हेल्प करिएगा या फिर उनके मतलब उनकी सहयोग करिएगा जिससे उनका चैनल जल्दी से आ जाए, लेकिन यहां पर जो बात की जाए तो कोई बड़े यूट्यूबर नहीं है, थोड़े छोटे यूट्यूबर हैं जिन्होंने उनकी हेल्प की, यानी कि 7 लाख से नीचे वाले ही होंगे जिसपे 1, 2, 3, 4 लाख होंगे, उन्होंने इनके लिए वीडियोज बनाई, लेकिन किसी बड़े यूट्यूबर ने यानी कि जिसके 1 मिलियन या फिर उनसे ऊपर सब्सक्राइबर उन्होंने किसी ने नहीं बनाई है। लेकिन उनकी चैनल पे मैं नाम नहीं लूंगा किसी बड़े यूट्यूबर का, लेकिन उनके वीडियोस यूट्यूब पर आपको देखने को जरूर मिल रहे होंगे, तो मतलब उनको भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये प्रॉब्लम काफी यूट्यूबर्स के साथ हो चुकी है और हो भी रही है। तो यहाँ पर ये चीजें जरूरी है कि भाई आपस में अपन को हेल्प करनी चाहिए, आगे जाके अपन को भी हेल्प मिलने के चांसेस रहते हैं, अगर अपन किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो अपन की भी कोई आगे जाके हेल्प नहीं करेगा। और यहाँ पर ये चीज है, तो अभी आप यहाँ पर देख होंगे तो एक चीज मैं आपको खुशखबरी दे ही देता हूँ अब, कि यहाँ पर उन्होंने यूट्यूब पर एक ट्वीट किया था, और यूट्यूब पर ट्वीट करने के बाद यूट्यूब ने उस पर नोटिस किया, और यहाँ पर उसका जो कि यूट्यूब ने रिप्लाई दे दिया है, तो यानी कि अब यहाँ पर जल्दी उनका चैनल है वो रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पर मैं उसको जब पता चला था तभी मैंने उसको रिट्वीट कर दिया था, वीडियोज मेरी जरूर लेट हो गई है, लेकिन यहाँ पर मैंने उनके लिए तुरंत से हेल्प करने की कोशिश की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चीजें उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होंगी, और यहाँ पर आपको समझने भी चाहिए कि भाई क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे अपन को हेल्प करनी चाहिए लोगों की, जिससे मतलब अपन को भी कभी ऐसे बुरे वक्त में मतलब कोई अपने साथ दे सके। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर जरूर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पे, और यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और अभी तक आपने इंस्टा फॉलो नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।